लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली हम लोग आ चुके हैं आप लोगों की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीरीज के साथ, मिलियनेयर ओनली सिटी। आप में से जो भी लोग अभी चैनल पे नए हैं तो ये दोनों वीडियोस जाके देख लो, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए इन दोनों वीडियोस को देखना ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको छोटा सा रीकैप दे देता हूँ। तो मिलियनेयर ओनली सर्वर सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके अकाउंट में है बहुत सारा पैसा, बट मैं इस सर्वर में जरा कुछ झोल करके घुसा हूँ, बट उसके बाद आके मैंने ईमानदारी से पैसा कमाया है। उसके बाद मैंने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए, उन पैसों को डबल किया, अपनी गाड़ी खरीदी, अपने घर खरीदे, एंड अब तो मेरा एक अपना रेस्टोरेंट भी है। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड अगर आप इस सीरीज का पार्ट 4 चाहते हो तो मुझे इस वीडियो पे चाहिए 25,000 लाइक्स। आज ज्यादा नहीं मांग रहा, ओके, 25,000 लाइक से काम चल जाएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सिटी को दोबारा से देखने के बाद इतना सुकून मिल रहा है ना, मैं क्या बताऊं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको अपना रेस्टोरेंट ही दोबारा से दिखाता हूं। देख सकते हो थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की है इस रेस्टोरेंट में, यहां से थोड़ा सा खर्चा किया यार, इतना खर्चा तो मेरी पॉकेट मनी से हो जाता है। एंड यहाँ देख सकते हो आप लोग, वो भाई अपना रेस्टोरेंट तो फुल भरा हुआ है, वहाँ कुछ कस्टमर्स को खाना पसंद नहीं आ रहा, बट हमें उनकी परवाह नहीं करनी क्योंकि मैंने एम्प्लॉय रख लिया है एक भाई। यहाँ देखो लियोनार्डो दी कैप्रियो यहाँ पे पहले रख लिया है, काम अच्छे से करते हैं। एंड अभी देखते हैं आज का जो है वो प्रॉफिट कितना बना है। हेलो सर जी, ओ माई गॉड, दिस इज सो गुड। मैं ये ले लेता हूँ $50। ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ जरा अपना वॉलेट का है। एंड इसमें देखो, बस सीरियसली मैं बता रहा हूँ, पैसा कम पड़ जाएगा दुनिया में, बट मेरी जेब में पैसा खत्म नहीं होने वाला। तो आज सिटी में अपन को क्या करना है? यू गॉट अ वॉइस मेल फ्रॉम मिस्टर प्रेसिडेंट। क्या क्या क्या, व्हाट? एक सेकंड यार, मैं खोल के देखता हूँ। मिलियनेयर सर्वर के सिटीजंस, ये मैसेज मैं सिर्फ गिने चुने मिलियनेयर्स को ही भेज रहा हूँ। आज मैंने ग्रैंड कमेटी सेंटर पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, जिसको ये वॉइस मेल मिल रहा है प्लीज 4 बजे वहाँ पहुँच जाइए। थैंक यू, हम वहीं मिलते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट। भाई ये क्या था, मिस्टर प्रेसिडेंट ने हमें खुद कॉल किया? मुझे तो पता भी नहीं था भाई इस सर्वर का कोई प्रेसिडेंट भी है, मैं तो अपने आप को ही प्रेसिडेंट मान के चल रहा था। लियोनार्डो भाई आज मैं नहीं आने वाला, ठीक है, रेस्टोरेंट मुझे लग रहा है प्रेसिडेंट का कुछ तो बहुत ज्यादा जरूरी काम है। ओके सर, एंजॉय योर फ्री टाइम। भाई लियोनार्डो, तेरे से कोई भी बदतमीजी करे, कोई कस्टमर तुझे डांटे, तो भाई तू बस खुद ही झेल लियो। कितना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। ओके गाइस, तो मैं अपनी जल्दी से गाड़ी तैयार करता हूँ, यार इतना टाइम हो गया इस सर्वर में आए हुए। ओहो, मेरी गाड़ी अभी तक चमक रही है। ग्रैंड कमिटी सेंटर तो मुझे इतना याद है कि यहीं पे है, चलो मुझे रास्ते तो याद हो गए, यही है शायद ग्रैंड कमिटी सेंटर, यही है ना। वेट, अच्छा हुआ मैंने वॉइस मेल देख लिया भाई, 4 तो बज ही गए। मैं लेट हो जाता ना तो प्रेसिडेंट मुझे धक्के मार के निकालता, एंड मैं एक्सपोज भी हो जाता सबके सामने भाई। ओके, इस गाड़ी को मैं यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ, लेट्स गो। चलो भाई, मैंने गाड़ी खड़ी कर दिया, पार्किंग तो मुझे कहीं दिख नहीं रही थी तो मैंने यही खड़ी कर दी है, यही है ना। भाई लोग आए हुए हैं, व्हाट, कितने लोग हैं? ओह, वो रे मिस्टर प्रेसिडेंट, शायद मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रिप तो करके आते हैं कुछ। ये क्या क्या पहना है? मैं गरीब हूँ भाई, बहुत लोग बैठे हैं। ट्रिस्टन गाय गाय, वाह बंदे का नाम ही गाय। केविन, ब्रेडन, लुइस बातें कर रहे हैं आपस में, मैं भी चुपचाप यहाँ बैठ जाता हूँ, प्रेसिडेंट की बात सुनता हूँ। मेरे प्यारे मिलियनेयर्स, आज मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए जमा किया है क्योंकि मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज्यादा दुखी न्यूज शेयर करना चाहता हूँ। मेरी 17 साल की बेटी को किसी ने मेरे घर से अगवा कर लिया है। अगवा का मतलब किडनैप होता है, अगर आप जाहिलों को ना पता हो तो। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की मदद ले लूं, और मुझे पता है कि आप लोग इतने बड़े भूखे नंगे हैं कि बिना कुछ पैसे लिए आपको ये काम नहीं करेंगे। तो जो भी मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढ के लाएगा उसको मैं इनाम में दूंगा पूरे के पूरे $5,00,000। भाई 5 लाख, सच में $5,00,000 बोले क्या इसने? भाई मुझे तो लग रहा है मेरे को ये ऑफर ले लेनी चाहिए भाई, ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलता है। जरा मैं इन लोगों से पूछताछ करता हूँ, स्टैनली से पूछता हूँ। भाई ये स्टैनली भाई, आप लोगे क्या ये डील? द प्रेसिडेंट हैज वरीड मी इनफ, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट हिम और हिज फैमिली। वाओ, ऑल प्राइसेस आर 10 times मोर एक्सपेंसिव नाउ, सून आई विल बी किक्ड आउट, आई विल नॉट हेल्प दिस इविल मैन इवन एट माय लास्ट ब्रेथ। स्टैनली भाई तो वैसे ही चिड़ावा लग रहा है इस प्रेसिडेंट से, बट यार उसकी फैमिली पे बात आ, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, आफ्टर ऑल सर्वर तो उसी ने बनाया, सर्वर तो उसका है। बट आई डोंट थिंक सो स्टैनली या इनमें से कोई उसकी हेल्प करने वाले, क्योंकि एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे ही शायद इसकी ऑफर लेनी पड़ी, चलो मैं जाके बात करता हूँ, माइकल नाम है। ओके, देखो आंसू गिर रहे हैं उसकी आंखों से भाई, बहुत रो रहा है वो दुख में। हेलो मिलियनेयर, आर यू विलिंग टू हेल्प मी? ऐसे मिलियनेयर बोलते हैं ना कोई अलग सी चौड़ लगती है, बट चलो काम की बात करते हैं। आई बिल्ड दिस सर्वर विद माई फादर 20 years ago एंड वी आर नाउ द मोस्ट सक्सेसफुल सिटी इन द वर्ल्ड, आई नेवर थॉट
thought this city will see a crime, but everything has a end. Am I right? जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, तो मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा. My daughter is only 17 years old. Oh God, hopefully the kidnapper doesn't do anything evil to her. है भी अपनी एज की, तो मतलब अगर बचा लिया तो इम्प्रेस. यार क्या बातें कर रहा हूँ मैं, हमेशा ऐसी मूड में क्यों रहता हूँ. My agent Dexter will help you on the mission. Thank you, millionaire, for stepping up. Your $500,000 are waiting for you. अरे वाह वाह, बस मैं यही तो बिल्कुल चाह रहा था. इनका एजेंट डेक्स्टर है, शायद वो मेरे को फोन कर करके मेरी हेल्प करता रहेगा. बट कोई बात नहीं गाइस, आज हमें फाइनली इस वीडियो के लिए एक मिशन मिल चुका है, तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो. आज हम लोग इसकी बेटी को ढूंढ लेंगे एंड होपफुली हम तक कुछ बात भी. मैंने एक बात नोटिस की है कि इस सिटी के अंदर गाड़ियां तो बहुत मैंने देखी हैं, बट कोई ज्यादा गाड़ी चलाता नहीं है. मुझे लगता है सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, घर बैठे बैठे पैसे आ जाते होंगे, उनको क्या जरूरत बाहर निकलने की. ओ भाई कुछ आया कुछ आया. हेलो आई एम डेक्स्टर, योर कंपेनियन एंड हेल्पर एट दिस मिशन. आवर सोर्सेज हैव फाउंड आउट दैट द किडनैपर इज पुटिंग ग्रैफिटीज ऑन द वॉल्स ऑफ द सिटी. फाइंड देम एंड इन्वेस्टिगेट देम. तो डेक्स्टर मुझे कह रहा है कि जो किडनैपर है ना, उसने पूरी सिटी में कहीं ना कहीं दीवारों पे ग्रेफिटीज बिछाई हुई हैं, जिसको अभी हम लोगों को जाके इन्वेस्टिगेट करना है. क्या पता हमें से उसमें से कुछ क्लूज मिल जाएं. अब बस मेरे को ऐसी दीवारें देखनी है जहाँ पे ग्रेफिटी पड़ी हो. ओके ओके, वेट वेट, ये दीवार पे मेरे को कुछ लगा हुआ दिख रहा है. वेट मैं उतर के देखता हूँ. ओके क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ तो अजीब सा लिखा हुआ है. आर्डियट, एंड उसके साथ एक हंसी है. अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो फिर आर्डियट बर्न, इंग्लिश में इसका मतलब हुआ बर्न, मतलब जलाना. जो तो लगा वो सिर्फ ये पैसों के लिए कर रहा है, बट उसको तो जलाना जुलूना है भाई. ओके ये तो एक ग्रेफिटी थी, इसको याद रखना गाइस दिमाग में कि ये बर्न है. मैं आप लोगों से भी पूछ सकता हूँ किसी नेक्स्ट एपिसोड में अगर मैं भूल जाऊँ. एक सेकंड जा, ओ मुझे दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, यहाँ पे है, यहाँ पे लेट्स गो. यू आर बी एस उर्ब्स, और यहाँ पे इस बार चश्मा भी बना हुआ है. इसको भी ट्रांसलेट करके देखते हैं हम. आर्डियट का मतलब था बर्न, उर्ब्स का मतलब सिटी. आर्डियट उर्ब्स बर्न सिटी, कोई हमारे शहर को जलाना चाहते हैं. और भी होंगे भाई, ऐसे तो नहीं हो सकता, इस पे तो खत्म नहीं है. लेट्स गो, और सिटी में जरा इधर उधर घूमना पड़ेगा, देखते हैं किधर है. ओ ओ वहाँ भी दिख रहा है, वहाँ भी दिख रहा है. एक मिनट यहाँ पे देखता हूँ, रुको. एस आई एम यू एल सिमुल, और यहाँ पे सिर्फ चश्मा बना है. टूगेदर बर्न सिटी टुगेदर, आई सिटी को साथ में जलाना है. दो लोगों का काम है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा किडनैपिंग और सिटी को जलाना, ये दोनों चीजें कैसे मिलती हैं? यार ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वॉल का एरिया है ना. एक सेकंड, वेट यहाँ पे गड्ढा हुआ है एक. व्हाट, ये तो वैसे ही होल है जैसे मैं स्कैम करके सिटी में घुसा था. क्या इस किडनैपर का मेरे से तो कोई कनेक्शन नहीं है ना भाई, ऐसा मत हो, मुझे बस पैसे कमाने हैं. ओके चलो चलो, देखते हैं अंदर जाऊं क्या, रिस्क लूं. चलो रिस्क लेते हैं, लेट्स गो. वेट व्हाट भाई, ये मैं किधर आ गया और मेरा सामान किधर है? मेरा सारा सामान, पैसे भाई, ये तो स्क्विड गेम का वो ग्लास ब्रिज गेम जैसा लग रहा है ना. ये कहाँ से मेरे को उसने होल से फेंक दिया भाई, नीचे तो मुझे लावा दिख रहा था. टेलीपोर्ट इधर कैसे आ गया मैं? हाहा, सो यू थिंक यू हैव द स्ट्रेंथ एंड पावर टू डिफीट मी, लेट्स सी इफ यू हैव अ बिग ब्रेन टू. पास द ब्रिज एंड यू कैन हैव द गर्ल एंड ऑल द मनी यू बेग फॉर. ब्रिज पार करना पड़ेगा एंड मेरे को लग रहा है मैं दो बार इस ब्रिज से गिराना मेरा खलास हो जाएगा भाई. मुझे लग रहा है ये मेरे को करना ही पड़ेगा, ऐसे बच्ची को छोड़ेगा नहीं और मेरे को $500,000 मिलेंगे नहीं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से करते हैं. ओके लेट्स गो. मैं जाता हूँ लेफ्ट, आई थिंक आई एम सेफ. डर लग रहा है नीचे कुछ लावा वावा तो नहीं है, बट पता नहीं वो खुल जाए जमीन और लावा निकल आए, मुझे कुछ नहीं पता. चलते हैं वापस से लेफ्ट पे. ओ शिट, ओ नो भाई, मेरे कितने हार्ट्स गए हैं. उसने मुझे टेलीपोर्ट तो कर दिया, बट अगर मैं एक और बार गिरा ना मेरा खलास हो जाएगा. मैं जा रहा हूँ राइट, ये तो पता चल गया राइट है. अब किधर जाऊँ, वापस से राइट. ओके हो गया, ठीक है. लेफ्ट, बच गया. ओके लेफ्ट, बच गया. दोबारा से लेफ्ट करता हूँ. बच गया. दोबारा से लेफ्ट की तरफ. अब राइट जाता हूँ, पक्का राइट है. हाँ पक्का राइट है, चलो दोबारा से राइट. ओह शिट, मेरा हार्ट चेक करो यार. ओके कैन वी डू दिस? यस वी कैन. हो गया, ये करूं या ये करूं? गाइस बहुत टेंशन हो रही है यार मुझे. यस वी डिड इट. ओके बस अब इस सैंड पे आना है. चलो टेलीपोर्ट किया है मेरे को कहीं. वेट हम लोग किधर आ गए? ये तो वही ग्लास ब्रिज वाला एरिया है. यहाँ पे NR1 NR2 NR3 ये क्या लिखा है? हेलो फ्रेंड, यही है क्या प्रेसिडेंट की बेटी? वेट लग तो यही रही है. चलो जाके इससे पहला सवाल पूछते हैं, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? नहीं.
अब याद नहीं तुमको। आए प्लीज, क्या लिख रही है भाई ये? किसी ने समन करी लाइटनिंग बोल्ट, मैं भी मर गया एंड एमिली भी मर गई। एक सेकंड, मैं मर गया था ना, कि किधर आ गया भाई? डिट्टो स्क्विड गेम जैसा दिख रहा है भाई ये बेड वाला एरिया। भाई ये क्या हो रहा है, मैं ये किधर आ गया, मेरे को मरा होना चाहिए था ये। व्हाट इज हैपनिंग गाइस, दरवाजे के पीछे कोई है, हमें देख रहा है।